हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, टाइम, समय। ठीक है, आप सभी लोग क्या देखे हो, घड़ी देखे हो, कितने हैंड होते हैं उसमें? टू हैंड, एक मिनट का होता है, एक आवर का होता है। ठीक है, अब देखेंगे राइट द करेक्ट टाइम सो इन द क्लॉक। इसको देखो और बताओ कि अभी कितना टाइम हुआ है। फर्स्ट वाला में देखो, जैसे ये रेड कलर का दिख रहा है, वो क्या है? वो आवर्स का हैंड है। और ये जो ब्लू वाला है, बड़ा है, उससे वो क्या का है? मिनट का है। ठीक है, तो अभी हावर वाला, आवर्स का जो हैंड है वो किस में है? टू में है। और ये और बड़ा वाला, मिनट वाला किस में है? ट्वेल्व में। तो जब ट्वेल्व में आता है तो क्या होता है? अभी दो टू ओ क्लाक। अभी कितना टाइम हुआ है? टू ओ क्लॉक है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। वैसे अभी आवर का काटा किस में, आवर का हैंड किस में है? फोर में। ठीक है, तो अभी फोर ओ क्लॉक। वैसे ये इसमें कितना हुआ है? सिक्स ओ क्लॉक, इसमें सेवन ओ क्लॉक। अब इसमें क्या करना है? ड्रॉ द हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब हमको क्या करना है, जो टाइम दिया है, ठीक है, उसमें हमको आवर और मिनट का हमको बनाना है। ठीक है, हैंड वो हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें 12 और इसमें 5, इसमें 9 ओ क्लॉक हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या है? घड़ी है, क्लॉक है। ठीक है, इसमें कितने हैंड होते हैं? टू हैंड, एक आवर हैंड और एक मिनट। ठीक है, जो लॉन्ग लंबा होता है, लॉन्ग हैंड होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तो मिनट का हैंड कैसा रहता है? लंबा रहता है। और जो आवर का रहता है वो क्या का होता है? छोटा रहता है। ठीक है, बिटवीन एनी टू कंटिन्यूटी नंबर ऑन डायल ऑफ क्लॉक देयर आर 5 स्मॉल डिवीज़न एंड इन द टोटल देयर आर 60 स्मॉल डिवीज़न ऑन द क्लॉक डायल बिटवीन द नंबर 1 एंड 12। ईच स्मॉल डिवीज़न ऑन अ क्लॉक डायल रिप्रेजेंट अ मिनट। इसमें कितने हैं टोटल? डायल नंबर कितना है? 12। ठीक है, और हर में मतलब इसमें मिनट कितना होता है? जैसे 1 इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा? 5। तो वैसे ही पूरे को मिला के कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितना होता है? एक घंटा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्या हुआ है? डिवीज़न में बटा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच, ठीक है, दो नंबरों के बीच, इसका मतलब क्या होता है? मिनट हैंड क्या होता है? मूव होते रहता है वन नंबर से नेक्स्ट नंबर तक। ठीक है, जैसे कि 12 से 5 ऐसे ऐसे जाता जाता है, 1 2 3 4 5। व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट वन राउंड ऑफ द क्लॉक डायल इन 16 मिनट, वी से दैट वन आवर इज कंप्लीटेड एंड द आवर हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, सो द आवर हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर ऑन द क्लॉक डायल इन वन आवर। जैसे कि क्या है, जो मिनट का हैंड है वो पूरा एक राउंड घूम जाता है। ठीक है, तो मतलब एक घंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो आवर का जो हैंड रहता है वो नेक्स्ट वाले में चला जाता है। ठीक है, यू नो AM एंड PM, यू नो दैट देयर आर 24 आवर इन अ डे बट अ क्लॉक हैज़ ओनली 12 नंबर ऑन इट्स फेस, सो हाउ मेनी टाइम डू यू थिंक द आवर हैंड हैज़ गो राउंड द क्लॉक फेस टू कंप्लीट अ डे स्टार्टिंग फॉर 12 midnight टू 12 noon इज 1/2 एंड 12 noon टू 12 midnight अगेन अदर हाफ ऑन द डे द फर्स्ट हाफ दैट इट्स फ्रॉम midnight noon इज कॉल्ड AM, सो 4 AM मीन 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 o'clock बिफोर noon, 12 noon not 12 am to 12 midnight not pm, it is called the other half on the day, this part of the day is called pm। आप जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो क्लॉक रहता है उसमें कितना रहता है? कितने घंटे होंगे? 12 घंटे बस होंगे। ठीक है, 12 नंबर है तो 12 घंटे होगा, लेकिन हम इसको हम क्या किए हैं, आफ्टरनून सुबह ऐसे में हम उसको बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे कि रात को मिडनाइट है, ठीक है, 12 मिडनाइट से 12 को हम क्या बोलेंगे? AM नहीं बोल सकते। ठीक है,
ना पीएम नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे, मिडनाइट, ठीक है। जो क्या होता है, रात को होता है वो दोपहर तक का, तो दोपहर में जब आता है तो उसको क्या बोलेंगे, नून। तो यहाँ तक का यहाँ क्या कराएगा, ए एम। और जैसे 12 है उसके बाद का क्या कहलाएगा, पी एम, ठीक है, जो रात के 12 बजे तक, मिड नाइट तक। तो ये यहाँ का 12 और ये 12 दोनों मिला के क्या बनाते हैं, 24 आवर, ठीक है, मतलब एक दिन, ठीक है। वेन द मिनट हैंड इज एट 12 ओ क्लॉक टाइम, लुक एट द क्लॉक सो बिलो एंड नोटिस द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड केयरफुली, द आवर हैंड 8:09 एंड द मिनट हैंड इट इज एट 12, सो द टाइम इज 9 o'clock। यदि क्या होता है, जो घंटा का हैंड है, ठीक है, वो किस में है, 9 में है, और जो मिनट का है वो किस में है, 12 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बज गए, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू आवर एंड एंड हाफ पास्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 15 मिनट, ठीक है। 1/4 मतलब 15 मिनट्स, तो समझ में आया। और 2/4 मतलब 30 मिनट्स, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट। और 3/4 मतलब 45 मिनट, मतलब क्वार्टर टू बोलेंगे, ठीक है। साहिल वेक अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, द मिनट हैंड इज एट 12 hour एंड एंड। देखो साहिल नाम का लड़का है, वो 7 बजे उठता है, तो इसका मतलब है वो जो मिनट का हैंड है वो किस में रहेगा, 12 में रहेगा। फिर वो क्या करता है, उठने के बाद अपने ब्रश करता है, ठीक है। तो मिनट हैंड किस में चला जाता है, 3 में, और जो आवर का हैंड रहता है वो 7 में, मतलब इसका क्या हो गया, क्वार्टर पास्ट, क्या कहलाएगा ये, 3 में है तो 15 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नहाता है, तो नहाते नहाते उसको कितना टाइम हो जाता है, जो मिनट का है हैंड है वो किस में आ जाता है, 6 में, और जो आवर का हैंड है वो 7 और 8 के बीच आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 7:30, ठीक है, मतलब 7:30 बजे, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, 7:15, मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में रहेगा आवर एंड, और जो मिनट का है वो किस में चला जाएगा, 9 में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या टाइम कहलाएगा, 7:15, समझ में आया। ये देखो इसमें ये क्या है, 16 मिनट है, मतलब इज इक्वल टू 1 घंटा, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, मिनट को भी बताया गया है और घंटे को भी बताया गया है, ठीक है। जो ऊपर लिखा है 5, 10, 15, 1 मतलब 5, 2 मतलब 10, 3 मतलब 15 मिनट्स, 4 मतलब 20 मिनट्स, 5 मतलब 25, मतलब हर क्या है, कितने भागों में डिवाइडेड है, 5 में, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया 7 o'clock और ये 5 मिनट पास्ट 7, इसको ऐसे लिखेंगे 5 मिनट पास्ट 7, और ये हो गया 10 मिनट पास्ट 7, ये 20 मिनट पास्ट 7, ठीक है। 7:05, 10 मिनट 20 मिनट। अब देखो एक्सरसाइज 11.1 में रीड एंड राइट द टाइम एंड द गिवन स्पेस, हमको क्या करना है, जो घड़ी दिया है उसको देख पढ़ना है और जो उसके टाइम को हमको लिखना है, जैसे कि इसमें कितना है मिनट किस में है, 12 में, तो ये सीधा क्या लिखाएगा, 3 o'clock, लेकिन इसमें किस में है, 1 में, तो 1 में है मतलब कितना मिनट हो जाएगा, 5 मिनट, तो 5 मिनट पास्ट 3, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 में है तो 10, इसमें 3 है तो 15, 4 में है तो 20, ऐसा, समझ में आया। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितने में आ गया है, 6 में, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ पास्ट, ठीक है। हाफ पास्ट 3, समझ में आया, हाफ पास्ट 3। रीड द क्लॉक एंड राइट द गिवन टाइम, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमको बनाना है और टाइम को लिखना है, जैसे कि इसमें 2 है, 2 o'clock हुआ है, इसमें क्वार्टर वाला है, ठीक है, ये क्वार्टर है, ये हाफ फास्ट है, ये क्वार्टर 2 है, ये o'clock है, 7 o'clock, फिर ये 8
हाफ पास्ट है, हाफ पास्ट 8 और ये क्वार्टर 2 है, समझ में आ रहा है? वैसे ही इसको आपको बनाना है। रीड द गिवन टाइम एंड ड्रॉ द हैंड ऑन द क्लॉक। अब नीचे देखिए सभी में टाइम दिया हुआ है और आपको सिर्फ क्या करना है, टाइम का क्लॉक का हैंड बस बनाना है, ठीक है, जो टाइम दिया है उसके हिसाब से, समझ में आया? इसमें देखो एक्सरसाइज 11.2 में व्हाट इज़ द टाइम आफ्टर, बाद का टाइम बताना है इसमें, ठीक है। अवनी वेंट टू स्कूल एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, सी केम बैक होम आफ्टर 4 आवर, एट व्हाट टाइम डिड सी कम बैक, ठीक है। अब देखो अवनी कितने टाइम स्कूल जाती है, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे स्कूल जाती है और वापस कितने टाइम आती है, 4 घंटे बाद, मतलब 1, 2, 3, 4, तो टाइम कितना हुआ रहेगा, 12 o'clock, ठीक है, कितना टाइम हुआ रहेगा, 12 o'clock। हमको क्या बताना है, बात का बताना है, तो इसमें क्या आएगा, 12 o'clock आएगा, ठीक है। 4 घंटे उसमें हमको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही दमन वेंट टू द मार्केट एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, ही स्पेंड टू आवर्स एट द मॉल एंड कैम बैक होम एट व्हाट टाइम डिड ही कम बैक। अब देखो क्या होता है, जो दमन है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, कितने टाइम जाता है वो, 11 o'clock, ठीक है, इसमें जा रहा है वो। और फिर क्या होगा, वो 2 घंटे बाद वहीं रहता है, तो 1 और 2, तो कितना टाइम होगा, टाइमिंग क्या कहला, 1 o'clock को हो जाएगा, तो वो कितने टाइम वापस आएगा, 1 o'clock, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही देखो गगन वेंट टू प्ले एट 5 o'clock इन द इवनिंग, ही प्ले फॉर 3 आवर एंड देन कैम बैक होम, एट व्हाट टाइम डिड ही कम बैक। गगन कहाँ जाता है, शाम को खेलने के लिए जाता है और 3 घंटा वहाँ पे खेलते हैं फिर वापस आता है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 o'clock, समझ में आया। वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ द टाइम बिफोर, अब हमको क्या बताना है, पहले का टाइम बताना है। जैसे कि बबली टूक बॉथ 1 आवर आफ्टर सी वॉक अप, ही सी टूक बाथ 6 in the morning, एट व्हाट टाइम डिड सो वॉक अप। तो इसमें क्या करा है, बबली 1 घंटे बाद नहाने के बाद उठती है, ठीक है, तो सुबह क्या होता है, उसके नहाने के बाद का टाइम क्या रहता है, 6, ठीक है, 6 o'clock, तो वो कितने टाइम उठती होगी, तो पहले का टाइम बताना है, 6 बजे उठी है, 6 बजे नहा डाली है, तो 1 घंटे बाद क्या होता है, 1 घंटे बाद वो क्या करती है, नहाने के टाइम से 1 घंटे बाद हमको बता रहा है कि 6 बज जाता है, ठीक है, तो कितने टाइम उठती होगी, 5 बजे। चन्नू कैम बैक फ्रॉम वॉक एंड एट ब्रेकफास्ट 2 आवर लेटर, इफ़ ही एट ब्रेकफास्ट 8 in the morning, एट व्हाट टाइम डिड कैम बैक फॉर वॉक। चन्नू नाम का जो है वो क्या करता है, वॉक करके और ब्रेकफास्ट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटा लगता है, तो उसको सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कितना रहता है, 8 बजे, ठीक है, तो वह कितने टाइम वॉक करके आता है, 2 घंटा वो क्या करता है, वॉक करने जाता है, और ब्रेकफास्ट कितने टाइम कर लेता है, 8 बजे, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले का टाइम बताएंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। हिना कैम बैक फ्रॉम एबाकस क्लासेस एट 12 o'clock इन द आफ्टरनून, सी वेंट फॉर क्लास 4 hours एगो, एट व्हाट टाइम डिड सी गो फॉर हर क्लास। हीना क्या करती हैं, अपना एबाकस क्लास जाती है और कितने टाइम, 12 बजे पहुंच जाती है, ठीक है, उसका क्लास कितना टाइम तक हो रहता है, 12 बजे तक, और 4 घंटा वो पहले जाती है, ठीक है, तो क्या किस टाइम वो जाती होगी जो इसमें वो 12 बजे तक रहती है, तो इसमें क्या बताएंगे, 4 घंटा पहले, तो 8 हो जाएगा, इसमें 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है।
वैसे ही इसको भी बनाना है। समझ में आया? लेट्स ड्रॉ, इसमें देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर आर ब्लैंक आवर इन अ डे। कितना घंटा होता है एक दिन में? तो 24 आवर। और द आवर हैंड कंप्लीट टू राउंड इन अ डे, कितने राउंड में डे को पूरा करता है? टू राउंड में, ठीक है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। मिनट हैंड क्या होता है? घंटे से, घंटे वाले हैंड से क्या होता है? बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। क्वार्टर पास्ट द आवर मीन 15 मिनट हैव बीन पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या होता है? 15 मिनट, ठीक है। व्हेन द आवर एंड मूव फ्रॉम 12 टू 2 इट हैज़ कवर्ड 2 आवर। हाँ, ठीक है। यदि कोई घंटा, घंटा वाला जो हैंड है वो 12 से 2 में जाता है तो कितना घंटा पूरा करेगा? 2 घंटा, ठीक है। घंटा वाला जो हैंड है, ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आपको बनाना है। फिर आता है कैलकुलेट द टाइम करेक्टली। अमित स्टार्ट वर्किंग फॉर हीज प्रोजेक्ट एट 4 o'clock इन द इवनिंग। ही टूक 2 hours टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। एट वाट टाइम डिड कम्प्लीट हीज प्रोजेक्ट? अमित नाम का जो लड़का है वो अपना प्रोजेक्ट 4 बजे बैठता है बनाने के लिए और 2 घंटे बाद कंप्लीट कर जाता है अपने प्रोजेक्ट। तो कितना टाइम हुआ होगा? 2 घंटा हमको आगे जाना है, तो 5 और 6, तो कितना हो जाएगा? 6 o'clock, समझ में आया? वैसे ही दक्ष टूक 3 hours टू कम्प्लीट हीज एग्ज़ाम। इफ द कम्प्लीटेड एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, एट वाट टाइम डिड ही स्टार्ट हीज एग्ज़ाम? दक्ष नाम का जो लड़का है वो 3 घंटा अपना एग्ज़ाम पूरा करता है। यदि वो क्या करता है, आप कितना टाइम में कंप्लीट करता है? 1 बजे कंप्लीट करता है, तो उसका टाइम क्या हो रहा होगा? कितने बजे स्टार्ट हुआ होगा? 10 बजे, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे बाद कितना टाइम बताएगा हमको? 1 बज जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको बनाना है। फ्रोज कम टू हीज आर्ट क्लास 3 hours लेट। इफ ही रीच एट 7 o'clock इन द इवनिंग, एट वाट टाइम डिड ही क्लास स्टार्ट? लुक एट द राइट द टाइम इन द गिवन स्पेस। घड़ी को देखना है और इसमें हमको टाइम लिखना है जो जगह दिया हो उसमें, ठीक है। रीड द गिवन टाइम एंड ड्रॉ द हैंड ऑन द क्लॉक। जो टाइम दिया है उसमें हमको इसको क्या बनाना है? हैंड बनाना है, ठीक है। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक दे आर आर, कितने घंटे होते हैं एक दिन में? हवर एंड कितने राउंड कंप्लीट करता है एक दिन में? और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना है, ठीक है। समझ में आया? अब ए एम पी एम लिखना है। वी ईट डिनर एट, हम रात को होता है तो उसको क्या बोलेंगे? पी एम। क्लॉथ होता है तो ए एम क्लॉथ। मेरी मम्मा कितने टाइम कपड़े धोती हैं? रात को धोती कि सुबह? तो सुबह में क्या आता है? ए एम। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, सुबह है हम, ठीक है। प्ले टेनिस मतलब 4 p.m. माई फादर कम बैक फ्रॉम द कॉफी एट। तो ये हो गया शाम का 6 o'clock है, तो इसमें क्या आ जाएगा? PM। समझ में आया?